गुड इवनिंग गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी कल कहाँ पे काम काज कर सकता है और साथ ही साथ कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो फिन निफ्टी पे हीरो जीरो ट्रेड कहाँ पे बन सकता है। उससे पहले एक बार नज़र डालें आज के मार्केट पे, तो आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ और एक बुलिश ट्रेंड पे ही मूव किया। तो यहाँ पे देखें तो निफ्टी एक सिनेरियो बना रहा है जो लगभग एन पैटर्न है। तो यहाँ पे पैटर्न के हिसाब से देखा जाए तो निफ्टी रेजिस्टेंस जोन के पास क्लोजिंग दिया है। तो कल मार्केट यहां से निफ्टी यहां पे बुलिश, मुझे तो बुलिश दिख रहा है। तो निफ्टी कल 18,300 के लेवल को क्रॉस करता है तो मैं यहां पे बाय करके चलूंगा, और वही निफ्टी कल गैप डाउन ओपन होता है और 18,200 के लेवल को सपोर्ट लेता है तो मैं 18,200 के लेवल पे छोटा सा ऐसे लगाकर बाय करके चलूंगा, और इसी लेवल को अगर ब्रेक डाउन कर देता है तो मैं यहाँ पे निफ्टी को सेल करके चलूंगा। अगला देख लेते हैं हमारा बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी पे हमारा क्या व्यू है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी भी आज गैप अप ओपन होने के बाद अच्छा खासा मूवमेंट दिया, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी एक रेंज में ही ट्रेड किया। जैसा कि आप देख सकते हो ये इसकी रेंज है, तो बैंक निफ्टी 43,400 के ऊपर निकलता है तो मैं इसको बाय करके चलूंगा, वही मेरा टारगेट रहेगा 43,600 के लेवल तक। अगर बैंक निफ्टी 43,200 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो मैं यहाँ पे सेल करके चलूंगा और मेरा टारगेट रहेगा 43,000 का। अगला हमारा देख लेते हैं फिन निफ्टी। जैसा कि यहाँ पे फिन निफ्टी का चार्ट ओपन हो चुका है तो यहाँ पे फिन निफ्टी 19,300 के आसपास ओपन होता है और उसके बाद 19,380 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो फिर मैं यहाँ पे बाय करके चलूंगा, वही 19,200 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पे मैं सेल करके चलूँगा और 19,100 के टारगेट के लिए। तो ये रहा मेरा फिन निफ्टी पे व्यू। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फ्रेंड्स।